गाइस, आई एम अमृता एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपीज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दे आर आइडियल फॉर योर लंच और डिनर। बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपीज हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट रेसिपी दैट वी आर गोना स्टार्ट इज भिंडी की सब्जी, दाल एंड रोटी। सो मैं पहले दाल बना लूँगी। दाल बनाने के लिए आई हैव टेकन हाफ क्वांटिटी ऑफ तूर दाल एंड हाफ क्वांटिटी ऑफ मूंग की दाल। इससे क्या है कि दाल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आई वॉश द दाल एंड इसमें पानी डाल दूंगी अकॉर्डिंगली। देन आई गो एड एंड एड टू चॉप टोमेटोज, 1 tablespoon of turmeric powder and 1 teaspoon of salt. Lid laga ke I will cook this for 6 to 7 whistles. Moving on to the tadka. Tadka mein I have taken around 2 tablespoon of oil. Isme main dal dungi 1 teaspoon of jeera seeds, 1 teaspoon of mustard seeds, some hing, some red chilies. एंड इसे सब कुछ मैं लो फ्लेम में कर रही हूँ फ्राई, तो फॉर सम टाइम फ्राई इट। एंड 1 चॉप्ड अनियन, अब मीडियम फ्लेम में सब कुछ को फ्राई कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। सो इंस्टेड ऑफ एडिंग चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक, आप जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डालिए आपके दाल तड़के में। ये जो दाल का जो टेस्ट है ना, एकदम ढाबा स्टाइल बना देता है ये। Then I'll be adding half teaspoon of Kashmiri red chili powder and half teaspoon of amchur powder. बस इसे 10 seconds के लिए हल्का सा low flame में roast कर लीजिए and mix your दाल to the तड़का। Garnish it with coriander leaves and delicious दाल is ready. अब चलते हैं भिंडी बनाने के लिए। भिंडी बनाने के लिए आई हैव टेकन 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, सम जीरा सीड्स एंड हींग, ये है चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड ग्रीन चिलीज एंड ऐसे लेंथ वाइज में मैंने अनियंस को चॉप किया है। दिस इज अराउंड 2 अनियंस एंड भिंडी। अनियंस को ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि अनियंस भिंडी के साथ ही आराम से आगे चल के पक जाएगी। तो भिंडी जब तक ऐसी दिखने लगी पका लीजिए पलटाते हुए। देन आई विल बी एडिंग हाफ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, सम चिली पाउडर एंड आमचूर पाउडर। मिक्स एवरीथिंग रियली वेल एंड जब सब कुछ पक जाए तब लास्ट में डालेंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट एंड सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड भिंडी इज रेडी। भिंडी एंड दाल के साथ मैंने बनाई थी रोटी। तो दिस इज द लंच थाली। इसमें है भिंडी की सब्जी, दाल, अचार एंड लेफ्ट ओवर फ्रॉम ब्रेकफास्ट टोमेटो की चटनी एंड रोटीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेसिपी, शेजवान नूडल्स। इसे बनाने के लिए मैंने एक पतीले में बहुत सारा पानी ले लिया था। आई एडेड सम सॉल्ट। जब पानी थोड़ा सा बॉयल होने लगे देन आई ड्रॉप इन द नूडल्स इन टू द वॉटर एंड थोड़ा सा ऑयल। सबको कुक कर लेंगे, ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। बॉयल होने लगे तो यू हैव टू जस्ट कुक इट फॉर 1 or 2 मिनट्स, दैट्स इट। एंड इसे मैंने छान के आई हैव वॉश्ड द नूडल्स इन कोल्ड वाटर। इससे क्या होता है, एक तो स्टिकी नहीं होता है एंड इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। मूविंग ऑन हाउ टू मेक द नूडल्स, मैंने एक आयरन कढ़ाई में थोड़ा ऑयल में सारे वेजीज डाल दिए हैं जो भी मेरे पास अवेलेबल हैं घर पे अभी। यू कैन ऐड योर चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स एंड थोड़ा सा पकाएंगे, क्रंची रखेंगे वेजीज को, ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। एंड आई विल बी एडिंग द नूडल्स, बॉइल्ड नूडल्स। मिक्स एवरीथिंग रियली रियली वेल। देन आई विल बी एडिंग अ शेजवान सॉस। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, ऊपर कार्ड में दे दूंगी लिंक एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन।
3 tablespoon of Szechuan sauce. Then mix everything well once again. ये देखिए इस तरह जब दिखने लगे then it's done. I will sprinkle it with some spring onions and some toasted sesame seeds. Delicious Szechuan noodles is ready. बहुत ही टेस्टी बना था, really very very tasty. Moving on, मेरा favorite कड़ी चावल. तो कड़ी बनाने के लिए मैं एक मड पॉट में बनाऊंगी इसको. इसके लिए I've taken 1 cup of दही and 3 tablespoon of बेसन. इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी हल्दी एंड सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. एंड इसमें मैं डालूंगी 5 to 6 cups ऑफ वाटर. सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड इसे एक साइड पे पकने के लिए रख दीजिए. दिस विल टेक एटलीस्ट 1/2 hour टू कुक. तो तब तक हम पकौड़े बना लेते हैं. इसके लिए आई हैव टेकन 2 large onions. उसको ऐसे लेंथ वाइज कट कर लिया है एंड श्रेड कर लिया है. उसमें डालूंगी मैं 5 tablespoon ऑफ बेसन, सम जीरा सीड्स, सम चिली पाउडर, सॉल्ट एंड पानी डाल के इसको अच्छे से घोल बना लेंगे. इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस. चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं. अब हम फ्राई करने के लिए आई एम यूजिंग मस्टर्ड ऑयल हियर. जब मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाए तो फ्लेम को एकदम लो कर देना है एंड देन हम पकौड़े डालेंगे, नहीं तो ये पकेंगे नहीं अंदर तक और जल भी सकते हैं. जब लगे कि टेम्परेचर थोड़ा ऑयल का कम हो गया है देन मीडियम कर देंगे इसको एंड मीडियम फ्लेम में पलटाते हुए हमारे पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे. जो ऑयल बच गया था पकौड़े तलने के बाद उसी ऑयल में आई विल बी एडिंग 1/2 teaspoon ऑफ मस्टर्ड सीड्स, 1/2 teaspoon ऑफ जीरा सीड्स एंड सम मेथी सीड्स एंड 1 teaspoon ऑफ कोरिएंडर सीड्स. कोरिएंडर सीड्स बहुत अच्छा टेस्ट देता है कड़ी को. सम हींग एंड सम करी लीव्स. सबको एकदम लो फ्लेम में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे. थोड़ी सी रेड चिलीज डाल देंगे हम एंड 1 tablespoon ऑफ क्रश्ड गार्लिक. सबको एकदम मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए. जब गार्लिक हल्की सी ब्राउन हो जाए दैट मीन्स इट्स डन. इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा फ्राई करके मैं अपने कड़ी में इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी. सो हमारा तड़का इज डन. आप गैस बंद करके मैं इसमें डालूंगी 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट. इससे आपकी कड़ी फटेगी नहीं. देन आई विल बी ड्रॉपिंग इन दी पकोड़ा पीसेस एंड डिलीशियस कड़ी इज रेडी. दिस गोज बेस्ट विथ स्टीम्ड राइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेसिपी, व्हाइट सॉस पास्ता. इसे बनाने के लिए पहले तो पास्ता को हम बॉईल कर लेंगे. आई हैव पेने पास्ता. बॉइलिंग वाटर में मैंने 3 cups लिए हैं एंड इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है वाइल बॉइलिंग इट. तो इसको लगता है टाइम 15 to 20 minutes टू 1/2 hour. ज़्यादा नहीं बॉईल करना है. जब ऐसे आल दंते दिखने लगे तो दैट्स मीन इट्स डन. तो इसको अलग से छान के रख लीजिए. नाउ लेट्स मेक दी वेजीज फॉर माई पास्ता. तो उसके लिए मैंने ऑयल में थोड़े से कैरेट्स, थोड़े से बेबी कॉर्न, अनियंस, कैप्सिकम, ब्रोकली, कॉर्न, ये सबको ले लिया है एंड इसे फ्राई कर लेंगे फॉर सम टाइम. क्रंची रखना है वेजीज को, ज़्यादा इसे पकाना नहीं है. सो वंस द वेजीज इज डन इन द सेम पैन लेट्स मेक द वाइट सॉस. उसके लिए आई हैव टेकन 2 tablespoon ऑफ बटर. इसमें मैं डालूंगी 3 tablespoon ऑफ मैदा,
एकदम लो फ्लेम में, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेंगे। देन मिल्क डालते हुए इसको ऐसे लम्स नहीं बनने देना है, मिल्क डालते हुए इसको ऐसे स्मूथ टेक्सचर होने तक हमको बना लेना है। जब ये ऐसा दिखने लगे सॉस, इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, सम गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स, ओरेगनो एंड मिक्स हर्ब्स। सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर आई विल बी ड्रॉपिंग इन माय वेजीज। सब को अगेन अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। फिर डाल देंगे हमारा बॉइल्ड पास्ता। Mix everything well once again. Last step में हम बस इसमें डालेंगे some processed cheese and mix everything well once again and the pasta is ready. Doesn't it look super delicious? Moving on to the last recipe for today, corn piece pulao. इसके लिए मैंने 2 cups of rice ले लिए हैं and इसे 5 to 6 times अच्छे से wash करके soak करके रख दिया है side में. फिर I have taken around 3 tablespoon of oil in a pan. इसमें मैं डालूंगी some jeera seeds. वन चॉप्ड अनियन, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे सबको। देन 1/2 tablespoon ऑफ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अगेन फ्राइड फॉर सम टाइम। इन गोज हल्दी पाउडर, 1/2 tablespoon ऑफ चिली पाउडर, 1/2 teaspoon ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 tablespoon ऑफ कोरिएंडर पाउडर, और इसे 10 सेकेंड्स के लिए ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बर्न नहीं करना है, लो फ्लेम में करना जो भी करना है। देन आई विल बी एडिंग 2 chopped tomatoes. फ्राई एवरीथिंग वेल वंस अगेन। अब मैं डाल दूंगी 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट, तो टोमेटो जल्दी पकेंगे, एंड सम कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स। सबको मिक्स करके अच्छे से ऐसे मशी होने तक पका लीजिए। देन ऐड 1 cup ऑफ कर्ड, देन इन गोज 1 cup ऑफ पीस एंड 1 cup ऑफ कॉर्न। थोड़ी देर के लिए सबको फ्राई कर लेंगे। देन आई विल बी एडिंग माय सोक्ड राइस। राइस को एटलीस्ट मैंने 1/2 hour सोक करके रखा था। सो फॉर 2 cups ऑफ राइस आई हैव यूज्ड 3 cups ऑफ वाटर, एंड इसे ढक के ऐसे दिखने तक पका लीजिए। सो द मॉइस्चर इज ऑल गॉन। जब ऐसे दिखने लगे तो इसे ढक के अराउंड 15 to 20 minutes के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। And a super yummy corn piece pulao is all ready. Okay guys, so I'm done for today. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप। प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना मेरी ये वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि आपको और किस टाइप की वीडियोस या रेसिपीज देखना है मेरे चैनल पे। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट विद अनदर फूड रिलेटेड वीडियो। अंटिल देन, बाय।